अब हम देखते हैं मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत सारे इनपुट में से किसी एक को सेलेक्ट करके ये आउटपुट पे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। क्या करता है मल्टीप्लेक्सर, इट इज़ अ डिवाइस विच सेलेक्ट वन आउट ऑफ सेवरल इनपुट, सेवरल इनपुट्स एंड फॉरवर्ड इट टू सिंगल आउटपुट लाइन। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, सेवरल इनपुट में से किसी एक इनपुट को सेलेक्ट करके सिंगल आउटपुट पे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारे पास n is to 1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। इसके पास n इनपुट लाइंस हैं, ठीक है, n इनपुट्स आ रहे हैं इसके पास और ये आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट हमारे पास सिंगल आउटपुट होगा, ठीक है। अब ये यूजिंग करता है सेलेक्ट लाइंस, सेलेक्ट लाइंस के थ्रू ये डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। ये हो गया इनपुट I0, I1, I2 टिल IN-1, ठीक है। तो ये है n is to 1 मल्टीप्लेक्सर। तो सेलेक्ट लाइंस क्या करते हैं, सेलेक्ट लाइंस पे हम इनपुट देंगे, जैसे ये सेलेक्ट लाइंस होगी S0, S1 टिल SM-1, m नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस होती हैं इसके पास। ये डिसाइड करती हैं, इनके इनपुट डिसाइड करते हैं कि आउटपुट में इनमें से कौन सा इनपुट जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल 2:1 मल्टीप्लेक्सर देखते हैं। हम मल्टीप्लेक्सर को मक्स भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। हम इसे डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे डेटा सेलेक्टर, क्योंकि किसी एक इनपुट लाइन पे जो डेटा होगा उसे वो सेलेक्ट करके आउटपुट पे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। ये क्या करता है, कोई एक इनपुट आउट सेलेक्ट करके आउटपुट पे देता है, तो जो उस इनपुट पे जो डेटा होगा वो सेलेक्ट होके हमें आउटपुट पे मिल जाता है, तो हम इसे कहते हैं डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर। अब 2:1 मीन्स n is to 1 मल्टीप्लेक्सर, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इनपुट होंगे, 2, I0, I1, ठीक है। तो ये हो गया 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो सिंगल आउटपुट है, तो आउटपुट हो गया हमारे पास Y, ठीक है। अब सेलेक्ट लाइंस यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी सेलेक्ट लाइंस होंगी, तो उसका फॉर्मूला होता है 2m = n, ठीक है। इस रिलेशन से हम फाइंड कर लेंगे, m यहाँ पर है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, n है नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। m क्या है, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, कितनी सेलेक्ट लाइंस हैं मल्टीप्लेक्सर में, और n है नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। तो 2m = n है। अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2, तो 2m = n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2, इसे लिख सकते हैं हम 2^1, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो कितनी सेलेक्ट लाइन चाहिए हमें, 1, तो 1 सेलेक्ट लाइन बना ली, इसको मान लेते हैं S0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब इसका फंक्शन टेबल देखते हैं कि कैसे फंक्शन करेगा ये, ठीक है। अब इसके पास सेलेक्ट लाइंस हो गई है और ये आउटपुट हो गया Y, ठीक है। अब सेलेक्ट लाइंस पे जो हम इनपुट देंगे वो डिसाइड करेगा कि आउटपुट पे कौन सा इनपुट जाएगा, ठीक है। तो अब S0 की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1, ठीक है। अब जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट में हमें मिलेगा I0, तो ये वाला इनपुट आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, I0। अगर S0 की वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट पे हमें मिलेगा I1, तो ये वाला इनपुट कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट से, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, I1। तो इस तरीके से 2:1 फंक्शन करेगा, ठीक है। अब हम इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो ये देखो, अब हम इसे लिखेंगे SOP फॉर्म में, ठीक है। SOP फॉर्म में क्या होता है, SOP फॉर्म मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें जब अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, अगर 1 है तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या ट्रुथ फंक्शन टेबल, ट्रुथ टेबल था,
ये था जब जीरो थी वैल्यू, तो इसका जब एस जीरो की वैल्यू जीरो है तो आउटपुट पे हमें आई जीरो मिल रहा था, जब वन थी तो आई वन था। ठीक है, अब इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन लिख लो। तो जब एस जीरो की वैल्यू जीरो है, जीरो मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एस ओ पी फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। तो आउटपुट पे हमें क्या मिला था, आई जीरो। तो आउटपुट ये था। जब एस जीरो की वैल्यू वन होगी तो हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे, वन होगा वेरिएबल, तब आउटपुट पे हमें मिल रहा था आई वन। ठीक है, तो ये होगी इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर 2:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं लॉजिक सर्किट, ये कैसे इंटरनली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कौन से गेट हैं, ये प्रोडक्ट है मीन्स एंड गेट। ठीक है, और यहाँ पर सम हो रखा है मीन्स और गेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका लॉजिक सर्किट कैसे बन जाएगा। अब है यहाँ पर हमारे पास टू टर्म्स थी, एस ज़ीरो आई ज़ीरो और एस वन आई वन, एडिशन हो रखा था इनका आपस में। तो इसके लिए हमें टू एंड गेट चाहिए, टू इनपुट एंड गेट। एक का इनपुट हो गया एस ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट आई ज़ीरो, दूसरे का हो गया ये एस वन आई वन। ठीक है, अब एस ज़ीरो मान लो इस लाइन से हमें एस ज़ीरो मिल रहा है, इसका इन्वर्टेड आउटपुट यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो एस ज़ीरो का इन्वर्टेड आउटपुट, इन्वर्ट मतलब इसका एस ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा यहाँ से, तो हमने इस लाइन से इसे यहाँ से इनपुट ले लिया। और एस वन हमें, सॉरी एस ज़ीरो था ये, एस ज़ीरो हमें मिल रहा है यहाँ से, तो हमने इसे यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसका हमें एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए और गेट चाहिए होता है। ठीक है, तो हमने आपस में और गेट से कनेक्ट कर दिया, तो आउटपुट पे हमें वाई पे क्या मिल जाएगा, एस ज़ीरो। यहाँ पर इसका, इस गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, एस ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट आई ज़ीरो। इस गेट का आउटपुट हो जाएगा एस ज़ीरो आई वन। ठीक है, और यहाँ पर इस गेट का आउटपुट हमें मिल जाएगा वाई इक्वल्स टू, यहाँ इसके आउटपुट में मिल जाएगा एस ज़ीरो ये टर्म प्लस ये वाली टर्म एस ज़ीरो आई वन। ठीक है, तो इस तरीके से 2:1 मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर एंड सो ऑन। ठीक है, थैंक यू।